स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल तक हमने पढ़ लिए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल, आज हम पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल। देखिए आप एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे दे दिया नंबर एक, ही तो देखिए आप यहाँ हमारे पास मैंने रूल लिखवाया था आपको, यदि बार का रिकॉर्डिंग वर्ड में ये कहलाता है इसका रिकॉर्डिंग वर्ड, और ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है रिकॉर्डिंग स्पीच। रिकॉर्डिंग वर्ड का ये सब्जेक्ट कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। यदि रिकॉर्डिंग वर्ड में प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में से या से दिया हो तो रिकॉर्डेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो इनका ही लिखेंगे से को टेंस में चेंज करेंगे, मी का मी कनेक्टिव हो गया इसमें है, यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, इसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करो तो मी का आ जाएगा यहाँ आई, यू के साथ आ रहा है तो आई के साथ इधर मार में से एक आ रहा है, एक गुड गर्ल। मैं आपको बता देता हूं ये कि यदि मान लो से दिया हो तो हम बदलते हैं से टू को टेन में, यदि से दिया हो तो हम बदलेंगे टेंस में, यदि सैड टू दिया हो तो हम बदलेंगे टोल्ड में, यदि सैड अकेला दिया हो तो सैड रहेगा सैड, और कनेक्टिव कनेक्टिव सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं दैट। देखिए आप यदि मान लो सेल दिया हो तो हम टेंस में चेंज करते हैं, सेल दिया हो तो हम टेंस में करेंगे, सेल दिया हो तो टोटल करेंगे, सेल का सेल का कनेक्टिव डेट में यूज करते हैं। अब आगे देखिए सेंटेंस, यदि मान लो सेंटेंस देखिए आप राम, यू पैन सॉल देश, तो देखिए आप सीता है प्रोग्राम, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमको इसको बनाना है सीता को सीता, सेट का टोल्ड राम का राम, यू सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन को राम के अकॉर्डिंग,
ठीक है। अगला देखिए तीसरा, विमला सैद्यू मोहन, आई हैव कंप्लीटेड माय बार, देखिए आप विमला का कितना लिख दो, सैट का टोटल, मोहन का मोहन। अब हमको यहां पर कनेक्टिव लगाना है, कनेक्टिव हो गया और आते हैं आई, आई को तो लिख देना है फर्स्ट पर्सन है विमला के अकॉर्डिंग, विमला लिख दो है सीता टोल
राम डैश राम तीसरा देखिए बिरला सैड टू मोहन आई एम फ्रस्ट्रेटेड बाय वन बिरला बिरला सैड टू का टोन मोहन का मोहन पहले ये हो गया दैट आई फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज कर दिया बिरला के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बिरला है जब वो एडमिशन किया तब पर बोल रही है जब के साथ में तब और एड के साथ में तब पर माइंड को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पजेसिव बना दिया और बस चौथा सेंटेंस देखिए आई शरद कुमार आई बजे आई शरद कुमार टोल लड़का है कनेक्ट हो गया थे कनेक्टिंग का मतलब है कि आपका कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमा ये सब हट जाते हैं जब कनेक्टिंग जुड़ता है सी चार पर्सन है दिल का बोल हो गया दो टू का टू आगरा डी का दो हो गया ये तो थे आपके सिंपल सेंटेंस अब आते हैं आपके इंटरव्यू इसको आप हिंदी में कहते हैं प्रश्न माध्यम का ठीक है अब आप देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये दो प्रकार से होता है नंबर एक हैडिंग हैडिंग वर्ड से जैसे हैडिंग वर्ड का कौन से किया जैसे ही एंड आर वाज वर can, do, does, did. Yeah. देखिए आप ये स्टार्ट हो गया इनसे हमारा जो प्रकट स्पीच शुरू होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनसे शुरू होंगे तो जैसे देखो आप
ही सेड टू मी, जब हमारा रिक्रूटमेंट इनसे शुरू हो हेल्थ की मदद से, तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि हम सैड स्थान पर लिख देंगे हाँ, और हमारा जो कनेक्टिव है वो लिख देंगे हम ए, ये चलेगा कि हम फिर हेल्पिंग वर्ड पर देखिए यहाँ है इसाइड टू मी इज योर फादर ए डॉक्टर। तो देखो ही का ही लिख दो आप और ही का ही लिख दो, साइड टू को किस में बदलना है आज में, नी का मी कनेक्टिव हो गया है। अब यहाँ है हमारे पास इज, इसको मत देखो क्योंकि ये आपस में होते हैं बिल्कुल सेम, ये यौवन इसके लिए आएगा इन यौवन के लिए जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर पहले यौवन चेंज हो तो हम यौवन को चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, नीचे अकॉर्डिंग क्योंकि सेकंड पर्सन अंतर पड़ जाए ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में मी, मी का उद्देश्य बनाओ Thank you.
सीता आश्रम एक और दीव हर निज में यहां पे कोई कंडीशन होनी है कि ये प्रोनाउन प्लस ये नाउन है ये आपस में जुड़े हुए हैं ठीक उसी तरह जिस तरह यौ के साथ उपाय जुड़ा हुआ है ठीक उसी तरह यौ के साथ उपाय जुड़ा हुआ है राम का नाम सैटिंग हो गया आश्रम ऑब्जेक्ट हो गया हर कनेक्टिव हो गया इस यू को चेक करो आपके अकॉर्डिंग तो आ गया सी कैन का होता है कुंड और दे गया ये हमारे सेंटेंस है आई लाइक टू और वन तो आई के लिए आप आई लिख दो सेट टू का आस्क कर दो और हर का आर लिख दो अब कनेक्टिव आते हैं कर दिया डब्ल्यू एच वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के शुरू में जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया वही हमारा इसमें कनेक्टिव होगा यू को चेंज करो हर के अकॉर्डिंग सी और जन आता पहला
said to the ask of the thing connective career works. What will be a यौन क्षेत्र और यौन के साथ में नेम जुड़ा हुआ है. यौन क्षेत्र इनके अकॉर्डिंग यौन के साथ में नेम है तो इनके साथ में नेम और इनका स्वाद. तीसरा देखिए इनका ही सेट टू का आस्क ऑब्जेक्ट हो गया मी कनेक्टिव हो गया वेयर. यू को हमने चेक किया मी के अकॉर्डिंग तो आ गया आई एंड बी गोइंग यस्टरडे का हो गया था प्रीवियस डे. अब आप समझ लीजिए आई का आई लिख दिया सेंटू का आस्क हल्का हर. ऐसे में कनेक्टिव अपना इस्तेमाल होता है जो हमारे दिया होगा होगा वो लिख दिया. ऐसे सेंटेंस में हम पहले यू को इसकी जगह लाएंगे और आर को यू की जगह ले जाएंगे. तो पहले यू को चेंज किया तो हर लिख दिया जो सब्जेक्ट है हल्का सब्जेक्ट का सी जब आर का बार बार होता है तो सी के साथ पास. ऐसे ही इनका सी सेंटू का आर इनका ही डब्ल्यू एच वर्ड हमारा कनेक्टिव हो गया. यौवन को हमने पहले चेंज किया इनका वर्ड तो इनका पहले सी होता है ये यौवन के साथ में नेम होते हैं ये नेम और इनका हो गया पास. इसी तरह ही का ये सेंटू का आर मी का मी डब्ल्यू एच वर्ड हमारा कनेक्टिव हो गया. यू को चेंज किया आज बस इतना ही. बाकी कल होगा. अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में समस्या आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए जरूर आपका सॉल्यूशन होगा. बराबर वाला निशान करो स्टॉप कर दिए मैंने तो कोई गलत नहीं करेंगे उनको उसको.